गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्णा जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम डी क्लासेस पर जबरदस्त शानदार धमाकेदार तो भैया एकदम फोड़ डाले हैं बहुत सारे लोगों ने एकदम पेपर वक खोपड़िया में छेद कर दिया है जैसा कि हमने कहा था बहुत शानदार पेपर रहा ज्यादातर लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और लगातार जो जिनका पेपर आगे होने वाला है उन लोगों से भी निवेदन है कि कृपया जो भी पेपर होते जा रहे हैं उनकी एनालिसिस पर फोकस करिए क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा आपको ये अंदाजा होगा कि आगे कैसा पेपर आ सकता है तो इस सेशन में हम हाजिर हुए हैं आपके लिए लेकर सबसे पहले आज नौ तारीख है दोस्तों और आज शिफ्ट वन में जो पेपर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक्यूरेट जानकारी लेकर हाजिर हो गए हैं और रात में नौ बजे मिलेंगे अगले दिन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ तो आइए इस सेशन में बात कर लेते हैं पूछे गए क्वेश्चन की और फिर नौ बजे रात में मिलेंगे तो ताबड़तोड़ तरीके से दौड़ा दौड़ा कर फोड़ेंगे कि आगे क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आइए शुरू किया जाए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक बाबू पाटिल जी इंदिरा नीतू आदित्य संजीत नत्राम बहुत बहुत स्वागत है भाई चलिए तो शुरू किया जाए दोस्तों बाकी अब सभी जानते हैं दोस्तों कि भाई किससे किस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब आप जानते हैं 120 क्वेश्चन 120 टोटल मार्क्स दोस्तों तो आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस वगैरह सब यहाँ पर दे रखा है ठीक है भैया तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ठीक है थोड़ा थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते चलेंगे भैया अभिषेक बाबू हाँ भाई पवन चलिए अब जरा देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था और हम इसके बारे में क्या आपको डिटेल बता सकते हैं और इस आधार पर क्या हो सकता है आगे का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जी हाँ तो सबसे पहले आर्टिकल 239 से क्वेश्चन था देखो दोस्तों वैसे तो आर्टिकल 239 से है ना क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं बल्कि 239 ए से क्वेश्चन पूछने का है ना रिवाज रहा है थर्टी नाइन के ए के अंतर्गत ए आ, आर्टिकल टू नाइन का ए जी आर्टिकल का का, का दर्जा देता है। तो अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है अच्छा भैया अमन राज्य देना इस बात को ध्यान रखिएगा दिल्ली को विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है मित्रों आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए के तहत प्राप्त है ठीक है भैया चलिए सामान्यतः आप इसे अगर आर्टिकल टू थर्टी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब संसदीय विधियों के अधीन क्या बताता है संसदीय विधियों के अधीन है ना संसदीय विधियों के अधीन राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट है ना यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन है ना इसके अंतर्गत रहेगा ठीक है का प्रशासन इसके अंतर्गत रहेगा समझ पा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 239 का सीधा संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है किससे संबंधित है जो भी क्वेश्चन आए हैं सब बता रहे हैं निश्चिंत रहिए एकदम एकट जानकारी लेकर आए हैं एकदम समस्या वाली बात नहीं बिल्कुल तो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल टू जो है ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है अब देखो ये तो जो है ऑप्शन में मिला नहीं ठीक है मतलब ऑप्शन तो हमें मिला नहीं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया था तो हम केवल ये बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो रहा होगा तो देखो क्वेश्चन तो होगा कि आर्टिकल 239 थर्टी नाइन किससे रिलेटेड है तो आंसर हो सकता है कि शासित प्रदेशों के प्रशासन से या आंसर हो सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों से आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि संसदीय विधियों के अधीन राष्ट्रपति शासित प्रदेशों का प्रशासन के संबंध में बातें बताई गई हैं ठीक है अच्छा अगर आर्टिकल 249 पूछा जाता अगर आपसे आर्टिकल 249 पूछा जाता तो आप क्या बता देते 249 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित सॉरी राज्यसभा से संबंधित बातें हैं राज्यसभा किसी राज्य की राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है है ना एक बच्चा कह रहा है सर आर्टिकल 249 से आया था तो खैर अगर आया होगा तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व का किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है

ना ये देखो नहीं, नहीं 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 इंटर ये गलत लिखा हुआ है भैया आईपीसीसी का एग्जैक्टली exactly जो फुल फॉर्म है वो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है इसका फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अगर हम आईपीसीसी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी

क्लाइमेट वाला है इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है भैया रोहित बाबू एकदम भाई अमित चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए है ना भैया हाँ भाई ये गड़बड़ लिखा था इधर ऊपर वाला जो है ये गड़बड़ लिखा था ठीक है राइट आंसर ये वाला है ठीक है अरे भैया आप कंटेंट बनाने वाले हैं लिख देते हैं उनको क्या इतनी जानकारी है हम लोग है ना देखने के लिए टेंशन मत लो भैया देखो अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल है ना यूज किया जाता है आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं डब्ल्यू 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 की ये हमने पढ़ा रखा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये क्या होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है इंटरनेट दोस्तों और आप जानते हैं इसके जनक कौन माने जाते हैं

चलिए और देखा जाए माजुली किस नदी पर है सबको पता है माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है दोस्तों लार्जेस्ट आइलैंड होगा लेकिन किस मामले में लार्जेस्ट आइलैंड होगा यह होगा नदी द्वीपों के मामले में नदी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको कहां मिलेगा असम में मिलेगा दोस्तों कहां पर असम में मिलेगा बिल्कुल ठीक है भैया एकदम एकदम भाई चलिए और क्या पूछा था एटॉमिक नंबर पूछा हुआ था आपसे पूछा था कि जो एटॉमिक नंबर 30 है ये कौन से तत्व का होता है एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है तो जिंक का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 30 होता है दोस्तों अच्छा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आगे जिसका एग्जाम लगा है उनको याद करके कम से कम है ना शुरू से 1 से लेकर 30 तक कम से कम एक से लेकर तीस तक के जितने भी एटॉमिक नंबर हैं ठीक है थीके? जितने भी तत्व हैं जो भी चीजें हैं उनको याद करके जाइए कम से कम एक से लेकर तीस तक आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए भैया अच्छा भैया रंजीत ठीक है बजट किस देश का सबसे ज्यादा देखो एक्चुअली में पूछा गया था कि किस कौन सा देश बजट है ना कौन सा देश स्वास्थ्य बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका जो है अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बजट खर्च करता है ठीक है भैया कहने का मतलब आप का, exactly आप देखिएगा, देखेंगे, तो अमेरिका का जो टोटल जीडीपी है, है है टोटल जीडीपी का आठ दशमलव पांच परसेंट किस पर खर्च करता है स्वास्थ्य पर खर्च करता है आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत अपनी कुल जीडीपी का जी दोस्तों भारत अपनी कुल जीडीपी का लगभग एक परसेंट ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है भारत अपनी कुल जीडीपी का लगभग एक परसेंट ही अपने स्वास्थ्य पर खर्च करता है और याद रहे यूनाइटेड किंगडम वहीं पर है ना अपनी कुल जीडीपी का कितना खर्च करता है आठ दशमलव एक परसेंट खर्च करता है तो यूनाइटेड किंगडम अपनी जीडीपी का आठ दशमलव एक परसेंट स्वास्थ्य पर खर्च करता है अमेरिका अपनी जीडीपी का साढ़े आठ परसेंट स्वास्थ्य पर खर्च करता है जबकि भारत अपनी जीडीपी का महज एक परसेंट ही बजट पर खर्च करता है महज एक परसेंट ही बजट पर खर्च करता है एकदम भैया विकल्प अब जरा ध्यान देना दोस्तों अब अगर आप जीडीपी के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में जीडीपी की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सर्वाधिक जीडीपी किसकी है तो अमेरिका पहले नंबर पर है दोस्तों है ना उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर है ठीक है तीसरे नंबर पर कौन है तीसरे नंबर पर जापान है दोस्तों चौथे नंबर पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर अपना भारत है भैया पांचवें नंबर पर अपना भारत है ठीक है तो याद रखना इसको और क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है भैया हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल अब देखो क्वेश्चन पूछा था बोडो भाषा कहाँ की है भैया इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे बोडो है डोंगरी है संथाली है मैथिली है नेपाली मणिपुरी ये सब जो भाषाएं हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है ठीक है भैया तो आसाम आंसर था इसका बोडो भाषा यहाँ पर बोली जाती है याद करिए बी डी एम एस आपको याद है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली दोस्तों ये जो है जोड़ी गई थी 2003 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दोस्तों भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बानवेवें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जी हाँ आठवीं अनुसूची में जिसके पास बाईस भाषाएं हो गई थी भैया ठीक है चलिए और देखा जाए क्या क्वेश्चन था दोस्तों तो तो ये पूछा था प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है तो किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया था तो गैस से रिलेटेड है ठीक है गैस से रिलेटेड है भैया एकदम चलिए और क्या पूछा था पूछा था टोक्यो पैरालंपिक में दो मेडल किसने जीता अब देखना यहां पर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में किसने दो गोल्ड मेडल जीते नहीं दो गोल्ड मेडल नहीं अगर आप देखना यहां पर दो चीजों को लेकर कंफ्यूजन है अब है ना यहां पर क्वेश्चन है ना यहां पर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि दो गोल्ड पैरा ओलंपिक में दो गोल्ड अभी तक किसने जीते हैं तब आंसर देवेंद्र झजरिया हो जाता क्या आपको पता है कि ये जो अवनी लेखरा हैं अवनी लेखरा जो कि एग्जैक्टली कहां से बिलोंग करती हैं अवनी लेखरा जयपुर से बिलोंग करती हैं दोस्तों कहां से जयपुर से अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों और एक ब्रांज मेडल जीता याद रखना अवनी लेखरा ने एक गोल्ड मेडल जीता है मित्रों और एक ब्रांज मेडल जीता है यह बहुत जरूरी बात है ठीक है एक गोल्ड मेडल है और एक ब्रांज मेडल है जबकि अगर हम देवेंद्र झजरिया की बात करते हैं दोस्तों अगर हम देवेंद्र झजरिया की बात करते हैं तो क्या आपको पता है अभी तक ये पैरा ओलंपिक में कुल तीन मेडल जीत चुके हैं इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों जी हाँ दो गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल जीता है एक क्या जीता है सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों 2004 में इन्होंने जीता था भैया ठीक है 2016 में जीता था और फिर 2021 में भी जीता है ठीक है आपको बता दें कि 2004 वाला ओलंपिक जो था एथेंस में हुआ था मित्रों 2016 वाला रियो में हुआ था आप जानते हैं और 2021 वाला तो टोक्यो में हुआ है

चलिए अच्छा कुछ लोगों का दिमाग अभी भी इसी में लगा हुआ है कि कौन सा फर्जी है और कौन सा फर्जी नहीं है अरे हद है पढ़ाई पे दिमाग लगाओ है ना चेस के नए ग्रैंड मास्टर अब देखो क्वेश्चन क्या है इसमें अलग अलग क्वेश्चन है भाई कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है पहले यहाँ समझो चेस का मतलब क्या होता है शतरंज होता है चेस का मतलब क्या होता है शतरंज होता है आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेस का खेल शतरंज का खेल किस काल में उद्भुत हुआ ऐसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि गुप्त

कौन है हर्षिता राजा है तो अगर सिक्सटी नाइन्थ पूछा था तो सिक्सटी नाइन्थ अगर पूछेगा तो हर्षिता राजा हो जाएगा और अगर तिहत्तरवा तो हो सकता है इस तरह का कोई और क्वेश्चन आ गया हो तो कुल मिलाकर ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है ना अगर तिहत्तरवा पूछ लेता तो भरत सुब्रमण्यम होगा क्या होगा भरत सुब्रमण्यम होगा भरत सुब्रमण्यम होगा समझ पा रहे हैं भरत सुब्रमण्यम होगा ठीक है भैया चलो इस चीज का ध्यान देना अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत के है ना पहले ग्रैंड मास्टर तब तो विश्वनाथन आनंद अगर पेपर में यह पूछा होगा कि ग्रैंड मास्टर कौन थे तो राजा और कहा जाए सबसे लेटेस्ट कौन है तो हैं सबसे लेटेस्ट जिनका नाम है भरत सुब्रमण्यम ठीक है भैया हाँ भरत सुब्रमण्यम ठीक है भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया नारायण एकदम सही बात है सबसे पहले जो चैंपियन थे चेस में वो थे विश्वनाथन आनंद दोस्तों जिन्हें है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था भैया ठीक है बिल्कुल बिल्कुल देखो भैया जहां तक कट ऑफ वगैरह का सवाल है तो सत्यन सरकार लगातार एनालिसिस इस पर चल रहा है जल्दी ही वो आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है जिस हिसाब से पेपर आ रहा है भाई बिल्कुल 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 चलिए भाई आप जरा ध्यान देना रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है तो दोस्तों रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट और ये जो रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट है ये न केवल इंडिया की दोस्तों बल्कि पूरे एशिया की सबसे पुरानी यूनिट के बारे में पूछा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे की जो सबसे पुरानी यूनिट है रेलवे की जो सबसे पुरानी यूनिट पूछा था इसका नाम है जमालपुर कहां पर दोस्तों जमालपुर में यह स्थापित है कहां पर भैया वेस्ट बंगाल में और इसको अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष उन्नीस में कब स्थापित किया गया था वर्ष अठारह में स्थापित किया गया था ठीक है भैया तो ये जरा ध्यान रखना सबसे पुरानी क्या पूछा था रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट तो इंडिया या एशिया की सबसे पुरानी यूनिट है है ना भैया जमालपुर वेस्ट बंगाल अठारह ठीक है ये क्वेश्चन था भाई एक्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल बिल्कुल भाई पुष्पेंद्र अगला क्वेश्चन देखें साहित्य अकादमी कब से शुरू हुआ दोस्तों अब जरा ध्यान देना दोस्तों आपको बताएं कि अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी है ना हो सकता है कि ऑप्शन में उन्नीस ना रहा हो हो सकता है उन्नीस ऑप्शन में ना रहा हो है ना हो सकता है 1955 ऑप्शन में रहा हो क्योंकि उन्नीस में तो स्थापना हुई थी 55 से दिया जाना शुरू हुआ था दोस्तों एक बात और बताएं भाई एक बात और आपको बताएं कि अगर हम सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है वो कौन सा होता है तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि ज्ञानपीठ होता है क्यों बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्ञानपीठ के मामले में भी कुछ ऐसा है क्या है अगर आपसे कहा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई तो भैया उन्नीस में स्थापना हुई थी लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था उन्नीस में दिया गया था समझ पा रहे हैं तो ज्ञान पुरस्कार की स्थापना भी 1961 में हुई और पहला 1965 में दिया गया वैसे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्नीस में स्थापित हुआ था ठीक है भैया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई योगेश बाबू और जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर इन्हीं क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर आगे पेपर में क्या क्वेश्चन हो सकता है हम रात के नौ बजे आपके लिए डेली स्पेशल क्लासेस लेकर आते रहेंगे जैसे साढ़े नौ बजे लाते थे तो नौ बजे मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक तो दबा कर करते चलिए और जरा जोरदार तरीके से दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए मजा आ जाएगा भैया चलिए देखा जाए अच्छा भैया ये एकदम भैया जंगल अच्छा भैया बड़ा अजीब अजीब नाम है कई लोगों का कैसे लें मई मई 2021 में वेस्टर्न घाट से कौन सा तूफान टकराया था अरे तोकते पूरी ताकत से टकराया था तोकते पूरी ताकत से टकराया था दोस्तों एकदम जबरदस्त है अब भैया अखिलेश अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछा था पहले ये तो बताओ कि बोली दें है? चलो भैया फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन क्या था नील नदी को बैकबोन अरे भैया पूछा यह था कि नील नदी को किस किस देश का वरदान भाई किस देश का वरदान कहा जाता है नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है दरअसल में क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था तो जो इजिप्ट है दोस्तों इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है क्या कहा जाता है नील नदी का वरदान कहा जाता है और आप सभी जानते हैं कि इसके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई और नील नदी के बारे में बताया है कि इसका उद्गम पूछेगा तो क्या बताओगे विक्टोरिया झील से उद्गम होता, होता है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी झील है दोस्तों है ना अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी विक्टोरिया नील नदी कहां पर गिर जाती है जाकर भूमध्य सागर में गिरती है तो इसका मतलब इसका जो मुहाना है वो कहां पर है है, दोस्तों, इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। वैसे इससे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता रखा है ठीक है भैया हाँ बिल्कुल देखो भैया आगे क्या है एच इंडेक्स दो में लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस देश की सबसे ज्यादा है ठीक है भैया फटाफट बताइए बिल्कुल बिल्कुल भैया रश्मि जी बिल्कुल रिवाइज करते रहे और जो क्लासेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ले रहे हैं उसको अटेंड करते रहिए भैया अच्छा भैया फिरोज कुमार जी एकदम जबरदस्त शानदार अच्छा अच्छा आज लाइव देख रहा हूं क्या बात है चलो भाई हांगकांग दोस्तों अब यहां समझना भाई एच इंडेक्स याद करो हमने एच इंडेक्स के बारे में बताया है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है उन्नीस में है ना इसका विकास किया गया था और इसको विकसित करने का श्रेय एक भारतीय और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री को जाता है जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे उनका नाम था दोस्तों महबूब उल हक क्या नाम था महबूब उल हक इनका नाम था ठीक है और जो भारतीय अर्थशास्त्री थे सेन थे ये सेन जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए वर्ष उन्नीस में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ठीक है भैया आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहली पोजिशन पर कौन है पहली पोजिशन पर दोस्तों नॉर्वे है और लास्ट पोजिशन पर कौन है लास्ट पोजीशन पर नाइजर है ठीक है दोस्तों और याद रखना इंडिया की पोजीशन क्या है तो इंडिया की पोजीशन 131 है पिछली बार एक थी ठीक है भैया ये बहुत जरूरी है ठीक है हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था गिरजा जी बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है ठीक है भैया चलो अच्छा याद रखना लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जीवन जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा क्या होता है? जीवन प्रत्याशा इसका मतलब होता है है इसका मतलब तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा हांगकांग की है ठीक है भैया हांगकांग की है जीवन प्रत्याशा का मतलब औसत जीवन काल और भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहां पर है भारत में सबसे ज्यादा केरला में जीवन प्रत्याशा है कहां पर दोस्तों रला में है चलिए हालांकि दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों भारत है और सबसे ज्यादा वृद्ध आबादी वाला देश कौन सा है तो भैया वो जापान हो जाता है ठीक है भाई चलिए देखा जाए तो कई रिपोर्ट्स में जापान को सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला बताया गया है लेकिन एच रिपोर्ट की बात करें तो हांगकॉन्ग सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला देश है हालांकि हांगकॉन्ग पर चाइना का अपना कब्जा है तो अगर हांगकॉन्ग को चाइना का पार्ट मान लिया जाए तो हांगकॉन्ग की जीवन प्रत्याशा का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि तब उसे चाइना का हिस्सा मान लेंगे तो वो चाइना का हो गया बात ही खत्म हो जाएगी ठीक है भैया हार्ड महोदय मैं तो रहा हूं कि अगर HDI रिपोर्ट के अलावा की रिपोर्ट देखेंगे तो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सबसे ज्यादा बताया गया है लेकिन एच वाले रिपोर्ट में है ना आपका हॉगकॉन्ग टॉप पर है ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ा जाए बिल्कुल बयासी जी वेलकम मित्र भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी बार पढ़ाया है आप बताना दोस्तों इतनी बार पढ़ाया है दबा के ठोको फिर लाई किसी बात पर इतनी बार पढ़ाया है आपको हमने बताया था ना कि 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी इसके अन्य नाम क्या थे बताए याद करिए हमने बताया था इसको मसौदा समिति भी कहते हैं इसको पांडु लेखन समिति भी कहते हैं याद करो इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं ठीक है और हमने बताया था कि कुल मिलाकर कितने सदस्य थे सात सदस्य थे दोस्तों और ये संविधान सभा द्वारा गठित सबसे महत्वपूर्ण समिति थी है ना भैया दीपक एकदम शानदार भाई संजीत हाँ कृष्ण के मित्र का खट्टा समोसा एकदम जबरदस्त ठीक है भैया और जरा ध्यान दो हमने ये भी बताया था कि 29 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है अरे भैया खेल दिवस होता है कि नहीं होता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन खेल दिवस होता है कि नहीं होता है होता है ना हाँ बिल्कुल शानदार अगला क्वेश्चन देखो चंपारण सत्याग्रे भैया हलुआ जैसा क्वेश्चन पूछ लिया था आपको बताया बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था राजकुमार शुक्ल अरे राजकुमार शुक्ला जी राजकुमार शुक्ला जी है ना बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला जी को हर साल दे देता है लगभग लगभग है ना बीपीएससी वाले उन्नीस सौ छियानवे दे रहे हैं ठीक है अरे राजकुमार शुक्ला शुक्ला कैसे राजकुमार जो है चंपारण के स्थानीय नेता थे और 1916 सो में जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए तो वहां पर इन्होंने गांधी जी से ना चंपारण आने के लिए कहा और गांधी जी टूट पड़े एकदम ठीक है चंपारण जाकर टूट पड़े अंग्रेजों ने कहा ऐसा है निकल लो निकल लो भैया यहाँ से गांधी जी ने कहा ना आए हैं तो खूटा गाड़ के जाएंगे तुमको हिला के जाएंगे जो होगा देखा जाएगा है ना भैया फिर अंग्रेजों को अपने कदमों पर झुकाया दोस्तों चंपारण सत्याग्रह सफल रहा गांधी जी का यह भारत में किया गया पहला आंदोलन था हां याद रखना इस दौरान इनका साथ जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था ठीक है दोस्तों हाँ भाई शशि जी बहुत आसान क्वेश्चन है अब देखना रात के नौ बजे वाले क्लास में ना इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन फोड़ के रख देंगे जितने गांधी जी के आंदोलन है सब पढ़ा देंगे है ना मात्र तीन मिनट में मात्र तीन मिनट में सारे आंदोलन ढेर चलो भैया अगला देखा जाए एकदम आ, प्रकाश जी कह रहे हैं सर अभी एग्जाम देकर निकला हूं आज तक ऐसा मैथ रीजनिंग का प्रश्न नहीं देखा और जीके भी एडवांस लेवल का था टोटल अस्सी किया हो क्या बात है बबुआ गजब शानदार बड़े जल्दी निकल गए तुम हाँ भाई एकदम अरे भैया जित्र बाबू हमने कहा एच रिपोर्ट के अलावा बाकी सभी रिपोर्ट में जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सबसे ज्यादा बताया गया है दोस्तों ठीक है लेकिन एच के रिपोर्ट के अनुसार हांगकॉन्ग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है एकदम भैया फिरोज भाई रात में नौ बजे होगा एकदम रात में नौ बजे होगा ठीक है भाई चलिए परसेंटेज सिंबल क्या है परसेंटेज सिंबल से एम एस में क्या फाइंड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपको एमएस ऑफिस के जो विभिन्न सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए भैया ठीक है भैया हाँ एकदम जबरदस्त शानदार ठीक है भाई हाँ एकदम सही कहा भैया दीपक बाबू है ना कई दिन से हमको याद नहीं आ रही है है ना हमारी नानी जो है हमसे नाराज़ है कि यार तुम याद नहीं करते थोड़ा टाइम से कॉल वॉल कर लिया करो ठीक है भैया चलो अगला क्वेश्चन क्या है आला रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तबला से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है तबला से रिलेटेड है भैया ठीक है भैया चलिए आप जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा भाई अब अगर हम दें आला रखा जो है है ये बहुत बार बताया गया है आपको वाद्य यंत्र सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है याद करो ओल्डेस्ट वाद्य यंत्र कौन से हैं दोस्तों ओल्डेस्ट वाद्य यंत्र है वीणा और याद करो तबला और सितार के आविष्कारक कौन है अरे बबुआ याद करो कितनी बार बताया गया है तबला एवं है ना सितार के वाद्य आविष्कारक कौन है तो तबला और सितार के जनक है भैया आमिर खुसरो कौन है आमिर खुसरो है दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन आता है यहाँ से भाई ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों एकदम दबा लाइक होना चाहिए लुसेली वा किस को दिया गया है वोलेरिया लुसेली को दिया गया है आप कहोगे गुरु जी ये वोलेरिया लुसेली हमारे भस्किना है ये याद नहीं हो रहा है चलो भैया आगे बढ़ा जाए है ना हाँ बिल्कुल चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने ऐसे शहर हैं जिनका पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा है जी हाँ दोस्तों मिलियन से ज्यादा तो बहुत सारे आपने जनगणना क्वेश्चन देखे होंगे लेकिन ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन था ठीक है भैया अच्छा राहुल जी कह रहे हैं कि परसेंटेज वाला नहीं था उसमें यह था कि एड्रेस के लिए क्या होता अच्छा तो हो सकता है हम लोग हमको जिस बच्चे ने बताया ठीक है उसमें यही बताया था हम उसी हिसाब से बता रहे हैं ठीक है भैया अच्छा इनके लड़के जाकिर हुसैन भैया भैयाकर्षण जी गजब शानदार चलिए और देखा जाए जा दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो चार्ज की जो एसआई SI यूनिट है वो क्या होती है वो होती है दोस्तों कुलाम होती है क्या होती है मित्रों कुलाम होती है देखो भैया ऐसा है मैं अपनी तरफ से जितना जी जान लगा सकता था मित्रों पूरा जी जान लगाया है आप देखिए आपकी क्लास के पहले आपके एग्जाम के पहले हमने 12 घंटे की महा मैराथन भी ली उस वजह से मेरी जो है थोड़ी तबीयत भी कल नासाज रही ठीक है अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और अभी भी हम आपके आए हुए क्वेश्चन के आधार पर आगे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं डेली नौ बजे पढ़ाऊंगा ठीक है तो हम पूरी तरह से अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन आना ना आना उस, किस्मत के ऊपर है वैसे आज के पेपर में हम देख सकते हैं कि लगबग, लगबग, लगबग की बात करें तो तीस के और सभी जानते हैं है जो कहता हूं वो करता हूं और कभी फालतू की झूठी बात तो बिल्कुल नहीं करता ठीक है भैया हाँ बिल्कुल भाई चंदन जी बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल बिल्कुल हाँ आकर्षण ठीक है पीएसएलवी दोस्तों हमने पीएसएलवी वगैरह सब बताया है हमने बताया है कि देखो इसरो के जो प्रक्षेपण यान है अभी तक चार जनरेशन के आ चुके हैं जिसमें है ना एसएलवी है पी एस एल वी है जी एस एल वी है ये सारे हैं तो केवल एस एल वी है फिर उसके बाद है ना उसके बाद एस एल वी है फिर पी एस एल वी है फिर जी एस एल वी है ठीक है भैया तो पी एस एल वी सी फिफ्टी वन से है ना कौन सा रॉकेट तो भैया अमेजोनिया वन को प्रक्षेपित किया गया था फरवरी दो हजार इक्कीस की बात है ठीक है अमेजोनिया वन किस देश का था मित्रों ब्राजील का था ठीक है भैया अच्छा भैया मुन्ना चलिए टहलका 2.0 के स्टूडेंट है अच्छा भैया मुन्ना ठीक है मजा आया शानदार पढ़ा हुआ मिला एकदम सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है सीटिंग में गुजरात सुने, आ, क्या है? है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है। जब काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी भैया काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी जो आग्नेय शैलों के अपेक्षे से बनी हुई है जिसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है तो आप खुद ही सोचिए कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी जो कि आग्नेय चट्टानों के है ना अपे से बनी है तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा महाराष्ट्र पहले नंबर पर हो जाएगा गुजरात दूसरे नंबर पर हो जाएगा एकदम भैया संजीत बाबू ठीक है भैया हाँ चलो भाई एकदम शानदार क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन क्या था पुदुचेरी में रामायण के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है यह भी एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों इसका आंसर होगा गरडी नृत्य कौन सा दोस्तों गरडी नृत्य ठीक है अब देखो क्या है कि इसके पहले जब हमने एनालिसिस कराया था तो एक बच्चे ने बता दिया था कि गुरुजी वो महाभारत का पूछा था तो भैया रामायण वाला पूछा था रामायण जो है के अवसर पर और रामायण के लेखक कौन है दोस्तों तो वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि को रामायण का लेखक माना जाता है इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि और रामायण को आदि ग्रंथ माना जाता है दोस्तों ठीक है भैया हाँ बिल्कुल भैया सोल्यूशन फॉर यू महोदय जी बिल्कुल प्रभावशाली रहेगा मित्र पढ़ के जाइए ठीक है गर्डी नृत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा गर्डी नृत्य हो जाएगा पुदुचेरी आप जानते हैं कि पुदुचेरी उन्नीस में एक समझौते के तहत फ्रांसीसियों से हमें प्राप्त हुआ था और इसे हमने क्या किया था आगे चलकर चौदहवें संविधान संशोधन द्वारा ठीक है क्या किया था एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था दोस्तों चलिए हाँ थोड़ा सा हार्ड तो था ठीक है भैया थोड़ा सा है ना हार्ड तो था चलिए ठीक है बट इतना भी हार्ड नहीं था जिन्होंने पढ़ा है बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं बाकी लोग अभी हम बात करेंगे कि किसका कितना पेपर में है ना अटेम्प्ट हुआ अभी बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं जो बिल्कुल संजीत हैं जैसे है ना और भी लोग हैं हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं तो अभी बताएंगे किसके कितने सही हुए हाँ भाई पुदुचेरी एकदम दो में पांडिचेरी से पुदुचेरी हो गया कालीदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा है अरे बबुआ क्या बात है तो कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कुमार संभवम उपन्यास लिखा है आप सभी जानते हैं कि कालीदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न थे और इन इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी जिसकी वजह से इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आप देखेंगे कि इन्होंने कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम हन रघुवंशम ठीक है मालविकाग्न मित्रम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल भैया किमजोंग बिल्कुल देखो किमजोंग साहब कह रहे हैं कि गुरुजी जी गरडी के बारे में आपने मॉक टेस्ट में पूछा था मंजिल वाले में एकदम सही बात है है ना भैया लेवल सिक्स नहीं था अच्छा भैया संजीत अच्छा मतलब अभी आगे होगा अभी नहीं हुआ है ठीक है ठीक है चलो लगे रहो लगे रहो अगला क्वेश्चन देखो भगवान विष्णु ये बताओ अभी पढ़ाया था अभी पढ़ाया था भगवान ये तो खैर वैसे सबको वैसे भी याद रहता है भगवान विष्णु के दस अवतार हैं आपने दशावतार मंदिर देखा होगा दोस्तों क्या दशावतार मंदिर देखा होगा अगर आपको याद हो तो दशावतार मंदिर आपको मिल जाता है देवगढ़ ललितपुर में कहां पर भैया देवगढ़ ललितपुर में मिल जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है कहां पर पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि नहीं पड़ता है पड़ता है ना तो बस वो सब याद करना था हाँ भैया आर्टिकल 239 बता चुके हैं है ना राष्ट्रपति की शक्तियां या कह लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन से संबंधित है आर्टिकल टू थर्टी नाइन हाँ दबा लाइक एकदम आना चाहिए क्योंकि आप ही के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है बबुआ हाँ लेवल टू वालों का एक क्वेश्चन अच्छा अरे भाई नीरज बाबू चलो बड़ी देर की बड़ी दूर की सोच लियो मित्र चलिए आगे देखा जाए है ना भाई अच्छा क्वेश्चन है महमूद खिलजी को हरा कर किसने विजय स्तंभ ये बताओ कितनी बार पढ़ाया है बहुतों बार पढ़ाया है कि महमूद खिलजी जो है जो कि कहां का मालवा का शासक था कहाँ का मालवा का शासक था इसकी खोपड़िया में छेद करके राणा कुंभा ने जीत लिया था भैया और जिसके बाद विजय स्तंभ बनवाया था कहां पर कहां पर बनवाया था विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनवाया था विजय स्तंभ याद है कि नहीं याद है कहां पर बनवाया था विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनवाया था बिल्कुल बिल्कुल भैया अमन राज महोदय जी देखो भैया जिनका पेपर अभी होने वाला है जिनका नहीं हुआ है वो लोग लगातार नौ बजे की क्लास रात वाली जरूर अटेंड करें क्योंकि हम आए हुए क्वेश्चन के आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं जैसे देखो यही है ये पूछ लिया ना कि विजय स्तंभ किसने बनवाया इसका मतलब आज रात की नौ बजे वाली क्लास में इस तरह के जितने स्तंभ हैं सबको दौड़ा दौड़ा कर फोड़ेंगे और वो होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मजा आ जाएगा बिल्कुल 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 भाई तो ये याद रखना है दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ अरे याद करो ये वही चित्तौड़ है जहाँ के राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में धोखे से मारा दोस्तों रानी पद्मिनी वाली कहानी आपने सुनी होगी ठीक है भैया एकदम जबरदस्त हाँ अच्छा भाई आकर्षण चलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं चित्तौड़ जो है आगे है ना आपको राणा सांगा के समय में महाराणा प्रताप के समय में भी मिलेगी दोस्तों एकदम जबरदस्त लाइक होना चाहिए कंजूसी नहीं लाइक करने में भैया एकदम कंजूसी नहीं हाँ भैया मोटिवेशन आर्टिकल टू थर्टी नाइन तो बता ही चुके हैं आ, 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 अच्छा वो टू थर्टी नाइन था क्या थ्री ट्वेंटी नाइन भी पूछा था नहीं नहीं 329 तो नहीं पूछा था आर्टिकल 239 ही पूछा था 329 तो नहीं पूछा था ठीक है भैया आर्टिकल 239 पूछा था हम बता चुके हैं कि आर्टिकल 239 में लिखा है कि संसदीय विधियों के अधीन प्रशासन जो यूनियन टेरिटरीज का होगा वो राष्ट्रपति की देखरेख में या राष्ट्रपति चलाएगा ठीक है भैया ये पूछा गया था ठीक है भैया नहीं नहीं 289 नहीं था टू थर्टी नाइन क्वेश्चन पूछा था मित्र या तो टू थर्टी नाइन पूछेगा मैं बता रहा हूँ या तो टू फोर्टी नाइन पूछेगा और या तो टू सेवेंटी पूछेगा टू सेवेंटी नाइन ए पूछेगा समझ रहे हो या इन तीनों में से कोई और पूछ ही नहीं सकता ठीक है जहां तक इस तरह के क्वेश्चन का सवाल है या तो दो सौ उनचास दो सो उन्यासी या फिर यह आपका दो सौ उनतालीस पूछेगा दो सौ उनतालीस तो बताई दिया है दोस्तों ठीक है भैया अरे गजब भैया रूप है ना दो सौ उनचास में बताई दिया क्या था भैया राज्यसभा द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना क्या करना राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार दिया गया है इसमें ताकि संसद उस पर कानून बना सके और यह तो आप जानते ही हैं जीएसटी काउंसिल है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल है उधर आर्टिकल थर्टी नाइन केवल पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा क्या कल्याणकारी राज्य से संबंधित चीजें मिल जाएंगी निशुल्क न्याय एवं आ, है ना समान विधिक सहायता वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं ठीक है भैया और बाकी वन थर्टी नाइन में क्या है भैया याद करिए वन थर्टी नाइन सुप्रीम कोर्ट के रिटर्न अधिकारिता के क्षेत्र को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है भैया ठीक है भैया हाँ बिल्कुल 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 चलिए आगे बढ़ा जाए अच्छा भैया संजीव 239 तो बताया है मित्र

जो है 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 बहुत बार पूछा गया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला मिला हुआ हुआ विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो इसको अलग से याद रखना ठीक भैया क्वेश्चन क्वेश्चन आता है है अगला दिखा दोस्तों ठीक जानते हैं अच्छा भाई अब देखो क्या है? कि नहीं भैया मोटिवेशन महोदय टू 289 नाइन हो सकता चलिए आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन था भैया हाँ, पेपर को दौड़ा दौड़ा के फोड़ेंगे एकदम भाई मुस्कान चलिए देखो देखो भैया संविधान संविधान संशोधन संशोधन पूछा था तो देखो, नवासीवा जो है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ जरा ध्यान से सुनना नवासीवा संविधान संशोधन जो की दो में हुआ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों जन के लिए राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया दरअसल में होता क्या था आपको बताऊं है ना होता क्या था ये देखो यहाँ गड़बड़ लिखा है ये दो सौ अड़तीस लिखा होना चाहिए था क्या तीन सौ अड़तीस लिखा होना चाहिए था और ये तीन सौ अड़तीस ए लिखा होना चाहिए था ठीक है भैया ये गड़बड़ लिखा है अब दे देखो सुनो जो आर्टिकल टू थर्टी एट है शुरू में क्या होता था पता है कि इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय आयोग होता था और ये राष्ट्रीय आयोग किसके किसके लिए होता था ये जो है एस सी के लिए भी होता था प्लस एसटी के लिए भी होता था समझ रहे हैं

पिछड़ा वर्ग आयोग एक अलग बना दिया गया ठीक है भैया हाँ चलिए भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक सौ अच्छा हाँ एक सौ दोवा संविधान संशोधन था एकदम ठीक कहा एक सौ दोवा था ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल <laughs> ये नहीं पूछा था अरे तो कहा पूछा था अरे तो कहा पूछा था भाई आ, दस परसेंट आरक्षण एकदम सही कहा देखो ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं देखो एक और संविधान संशोधन हम आपको बताते हैं दरअसल में दोस्तों एक होता है अगर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं अगर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं तो एक है एस आयोग एक है एसटी आयोग और एक है ओबीसी से रिलेटेड ठीक है भैया मतलब पिछड़ा वर्ग तो इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट इसको कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स इसको कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन क्या बैकवर्ड क्लास तो एनसीबीसी ठीक है भैया तो अब देखना ये वाला कब आया है ये एक संविधान संशोधन था है ना दोवा संविधान संशोधन था 2019 का ठीक है भैया अब देखो ये जो है आपका है ना ये तो आप जानते हैं और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो इसके लिए आर्टिकल क्या हो जाएगा 338 हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा 338 ए हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा 338 बी हो जाएगा समझ रहे हैं 338 बी हो जाएगा तो ये याद रखना और इसके लिए जो संविधान संशोधन है वो एक है ठीक है भैया हां ठीक है भाई चलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए ये क्वेश्चन हमने स्टैटिक जीके में पढ़ाया है स्टैटिक जीके में ये पढ़ाया है और हमने हमको याद है जिस दिन हमने ये पढ़ाया था उस दिन ये पहला ही क्वेश्चन था उस दिन ये पहला ही क्वेश्चन था है कि नहीं उस दिन ये पहला क्वेश्चन था भैया ठीक है तो ये जो है क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है विंड है देखो भैया पवन हो गया पवन ऊर्जा हो गया सौर ऊर्जा हो गया भूतापीय ऊर्जा हो गया ये क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स में गिने जाते हैं दोस्तों ठीक है भैया चलो है ना ठीक है आगे देखो भैया और क्या क्वेश्चन था इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो और क्वेश्चन तो खैर इस तरह का कोई नहीं था तो भैया देखो जीएस के जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए जीएस के जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए हमने सारे क्वेश्चन करा दिए और आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमको जीएस के मिले और हमने सारे जीएस के क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर बताए हैं आपको आपका आपका जिन लोगों का आपका पेपर था आप लोग मिला सकते हैं आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीएस में कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों और हाँ याद रहे कि आज का जो पेपर हुआ है इसी पेपर के आधार पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर रात के नौ बजे मिलेंगे और अभी जो सेकेंड सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी हाल ही में अभी खत्म हुआ है रिसेंटली उसका एनालिसिस हम बजे लेकर मिलेंगे ठीक है भाई तो इंतजार करिए ज्यादा नहीं पांच दस मिनट का इंतजार करिए हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं और फिर नौ बजे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ दौड़ा दौड़ा कर तोड़ेंगे ठीक है भैया चलो तो आज इतना ही हाँ भैया मोटिवेशन टू सक्सेस मजा ले रहे हो मतलब आज पूरा पूरा मजा ले रहे हो आज अपने टीचर की बैंड बजाने निकले हो एकदम ठीक है चलो ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहे हो बहुत बहुत अच्छा काम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों एनटीपीसी सीबीडी की परीक्षाएं आपकी मई और जून में होना प्रस्तावित है परीक्षाओं के लिए अभी आपको समय है कि मॉक टेस्ट लगातार लगाने का अपनी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करने का हर एक चीज को रिवीजन करने का इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों एनटीबीसी सीबीटी टू की परीक्षाएं आपकी मई और जून में होना प्रस्तावित है परीक्षाओं के लिए अभी आपको समय है कि मॉक टेस्ट लगातार लगाने का अपनी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट क्लासे 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 करने का हर एक चीज को रिवीजन करने का इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच और आपके सीबीडी टू में जबरदस्त सफलता दिलाने वाली है मंजिल बैच कैसे ज्वाइन करना और क्या क्या खासियत है वो सारी चीजें हम देखेंगे मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअली इसमें क्या खासियत है और कैसे कैसे सारी चीजें समझ पाएंगे सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना और आपके एमडी क्लासेस का ऑफिसियल ऐप को वहां पे डाउनलोड कर लेना है जैसे आप इंस्टॉल करोगे ओपन का ऑप्शन करिएगा आपके पास रजिस्टर और पर का ऑप्शन आएगा। आप नए यूजर तो आप नए तो रजिस्ट्रेशन करिएगा नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सारी चीजें को मिलेगा अब आपको मंजिल बैच ज्वाइन करना कोर्स में सबसे ऊपर ही आपको मंजिल बैच दिख जाएगा जहां जैसे आप पर जैसे सारी खासियत देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज रखी हुई है सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में तो रिकॉर्ड में हम आपको हर सप्ताह के शुरुआत के तीन दिन करंट अफेयर्स कराते हैं क्योंकि सारी चीजें वही रह जाती है करंट अफेयर्स अपने आप चेंज होता है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो उसकी पीडीएफ देख सकते हैं क्लासेस लाइव होती है तो आप उनको लाइव देख सकते और जब लाइव खत्म हो जाती है तो रिकॉर्डेड वाले में आ जाता है अब आपने मंजिल बैच के मॉक टेस्ट लगाना शुरू तो कर दिए लेकिन हुआ क्या कि आपको ये चैप्टर का यह क्वेश्चन नहीं आता से चैप्टर रिवीजन करें भाई टीचर अपने ही स्टाइल से बताएगा उसी टीचर के स्टाइल में आप वीडियो के कोर्सेस भी देख सकते हैं तो थ्योरी क्लासेस पे आप जाएंगे हमने मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिस्ट्री जोग्रफी सारे टॉपिक एड कर दिए और इतना ही नहीं आपके लिए जबरदस्त स्पेशल जैसे आप मैथ का सेक्शन मान लो खोलते हो तो हमने इतने सारे लेक्चर्स में मैथ के अपलोड करे कि आपको मजा आ जाएगा कुछ भी छूटेगा नहीं बस आपको इस चीज का ध्यान रखना सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है अब बात करते हैं कि सर टेस्ट कहा मिलेगा जो सबसे मेन बात है तो टेस्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा और इसमें आप दो सेक्शन पाएंगे एक हमने आपसे कहा था हम आपको कुछ दे रहे होंगे तो आप कुछ भी दे सकते हो अभी जो पहला टेस्ट यहां पे अपलोड हुआ उसके कुछ भी बच्चे देना शुरू कर चुके हैं और जो सबसे खास है वो है मंजिल का स्पेशल आपके लिए पच्चीस मॉक टेस्ट की सीरीज इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कल सुबह छह बजे यानी कि सा अप्रैल को सुबह छह बजे ये लाइव हो जाएगा और सुबह छह दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपनी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं कहा गलतियां हुई कहा गलतियां नहीं वो सारी चीजें देख सकते हैं इसकी पीडअप डाउनलोड करके उसको बार बार रिपीट करके रिविजन भी कर लीजिए हम आपको पर डे मॉक टेस्ट करा रहे होंगे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का शनिवार रविवार आपके लिए रिविजन छोड़ रहे होंगे ताकि हमने जितने मॉक टेस्ट करे आप उसका रिविजन एक बार करो जो चैप्टर्स नहीं आए सारी चीजों को देखो मतलब ये एक आपके पास मंजिल बैच एक ऐसा बैच होगा ना कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है सिलेक्शन आपके कदम चूम के जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया अगर नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लीजिए इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टू ट्वेंटी बहुत जल्द बढ़ जाएगी बच्चा टू फोर्टी नाइन पे आ जाएगी बहुत कम बच्चों के लिए हमने रखा हुआ काफी ज्यादा हमारे पास एडमिशन था तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना बेहतर दे जबरदस्त दे और आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए बाइन पे क्लिक करिएगा कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है सीधे पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा सारे ऑप्शन हमारे पास है आप किसी से भी चाहो गूगल पे फोन पे यूपीआई आईडी क्रेडिट कार्ड बेबिट कार्ड सब कुछ हमारे पास है कहीं से भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट